संतप्त मानस शांत हूँ, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान दिन विचरे हमारे ध्यान में। पेज नंबर 363 पे चलेगा, जो प्रश्नोत्तर बाकी रह गए थे उन्हें करना है। एक बात विशेष ध्यान रखने की ये है कि हम समय सार का भी साथ में अभ्यास करते हैं और निरंतर अधिकतम चर्चा अपने यहाँ समय सार की ही होती है, इसलिए हम सबको वेद विज्ञान की में आत्मा को एक तरफ और देहादि और रागादि लिखा भी है ना, वरुणादि अरु रागादि तें निज भाव को ध्यान रखा। तो इस तरह से हमको उसकी प्रैक्टिस हो गई कि वर्णादि और रागादि हमसे भिन्न हैं, यानी मैं वर्ण रूप, वर्ण माने शरीर पुद्गल, ये इन रूप में नहीं हूँ, इनका स्वामी मैं नहीं हूँ, इनका कर्ता भोक्ता मैं नहीं हूँ। फिर ऐसा ही रागादि मैं नहीं हूँ, रागादि का मैं स्वामी नहीं हूँ और रागादि का कर्ता भोक्ता नहीं हूँ। इसकी हमको अपेक्षाकृत अधिक प्रैक्टिस हो गई है, बाकी सारी दुनिया को तो इसकी भी खबर नहीं है। तो हमको इस प्रैक्टिस होने से उल्टी दिक्कत रचन सार के पढ़ने में होने लग गई। क्या होने लग गई कि यहाँ पर ये कह रहे कि देहादि का कर्ता तू नहीं है, वर्णादि का कर्ता भोक्ता तू नहीं है, स्वामी भी तू नहीं है और रागादि का कर्ता भोक्ता और स्वामी तू है। अंतर समझ में आया ना, तो हमारे दिमाग में वो बात जमी रहती है तो ये हमको बहुत अटपटी सी लगती है, क्योंकि इतने मार खा खा के तो हमने मुश्किल से वो तैयार हुए उसके लिए, सारा समाज अभी तैयार नहीं है। वो तो यही कहता है कि हमने खुद रागादि किए, गुस्सा किया, क्रोध मान माया लोभ किरे और कहते हम उसके कर्ता नहीं है, हमने नहीं किए और किए जा रहे और कहते हमने नहीं किए। इसलिए समाज तो यही सब कहता है कि ये आप अपन लोग गलत कहते हैं, प्रवचन सार भी ये कह रहा है, मैं ये कहना चाहता हूँ। तो हमारे विद्वानों को खासकर ये भी उतनी ही गहराई से समझना पड़ेगा और हमारे दिमाग में वो बैलेंस बनना चाहिए कि जहाँ रागादि का कर्ता आत्मा को बताया हो, स्वामी आत्मा को बताया हो, उस अपेक्षा को भी हम गहराई से समझें और जहाँ नहीं बताया हो उसको भी समझें। जब दोनों परस्पर विरुद्ध कथन आएंगे तब हमको ये दिक्कत खड़ी होगी। पूज्य गुरुदेव श्री जब भी ऐसा करते थे कि सुबह चला रहे हैं समय सार और शाम को चला रहे हैं प्रवचन सार, ऐसा होता था। वहाँ पर एक समय सार तो हमेशा चलता ही था, उसे तो कभी बंद किया नहीं, और दूसरे समय में कभी प्रवचन सार, कभी द्रव्य संग्रह, कभी कोई अलग अलग ग्रंथ भी चलाते रहते थे। तो अभी ऐसे ही प्रकरण आमने सामने पड़ते, सुबह प्रवचन होता 8:15 बजे, उसमें तो ये कि बिल्कुल राग भिन्न है, राग का करता आत्मा नहीं है, जो माने उसमें तैयारी थी, और फिर दोपहर में आता ये राग का करता आत्मा है। और अपने यहाँ तो उससे भी ज़्यादा बड़ी दिक्कत इसलिए है कि दिन में 10 क्लासें चलनी हैं और वो अलग अलग अध्यापकों को, वो तो गुरुदेव ही दोनों करते थे ना, तो गुरुदेव के प्रति अपार श्रद्धा थी और दूसरे उन्हें मालूम था कि मैंने सुबह क्या कहा है और शाम को क्या कह रहा हूँ, तो बीच बीच में कहते भी जाते थे कि वो समय सार की बात है, याद भी दिला देते थे। अभी हमारे यहाँ तो हर आदमी अलग अलग पढ़ा रहा है, एक आदमी समय सार पढ़ा रहा, दूसरा प्रचन पढ़ा रहा, तीसरा मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ा रहा, चौथा द्रव्य संग्रह पढ़ा रहा, चौथा पाँचवा गोमठ सार पढ़ा रहा। मेरे कहने का मतलब अलग अलग पढ़ा रहे हैं और एक दूसरे की हर बात को तो सुन नहीं सकते ना, फिर वो अपना हर एक की क्लास में बैठना संभव भी नहीं है, एक क्लास चार क्लास में लगनी है। और हमारे लिए तो जो हॉल में क्लास लगती है उसे तो हम सुन लेते हैं, लेकिन बाबू भाई हॉल में लगे और यहाँ वहाँ लगे तो हम तो सुन भी नहीं पाते वो कि किसने क्या कहा। तो आप जब जो श्रोता आप लोग हो
जिन जिन की जो क्लास में परस्पर विरुद्ध लगने वाली जैसी बातें आएंगी, तो आपका यदि माइंड उन्हें सेट करने वाला नहीं बनेगा तो आपको बहुत दिक्कत आएगी। अब अभी यहाँ प्रश्न ये है कि देखो, यहाँ अब प्रश्न भी वही है, यहाँ एक प्रश्न संभव है कि यदि रागादि भाव अज्ञान भाव हैं, तो जो रागादि भाव ज्ञानी के पाए जाते हैं उनका कर्ता कौन है। अब यहाँ तो अपन कहते हैं गौण स्थान पढ़ाते हैं, गुणस्थान पढ़ाते हैं कि दसवें गुणस्थान तक राग रहता है और चौथे गुणस्थान में सम्यक ज्ञानी हो जाता है जी। अब तो चौथे गुणस्थान से अनंतानबंदी राग नहीं होता चौथे में, लेकिन अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण संतुलन ये इतना राग ढेर सारा राग विद्यमान है। ये तो शास्त्रीय भाषा में हुआ कि अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण, लेकिन हम लौकिक भाषा में बताते हैं तो मुनिराज हैं वो भी शास्त्र लिखने का राग है, उन्हें शिष्यों को पढ़ाने का राग है, दीक्षा देने का राग है, ये सब है ना। और अब एक गृहस्थों का तो अपन रोजीना उदाहरण देते ही हैं कि वो 600,000 वर्ष पत्नियाँ और इतनी शादियाँ और ये इतना ढेर सारा राग है ना। और ज्ञानी को राग का कर्ता नहीं कहते हैं और अज्ञानी को राग का कर्ता कह रहे हैं, तो फिर वो ज्ञानी का राग कौन कर जाता है, है? तो इसने देखा ना, अपन ने कल दोहा पढ़ा था ना, ज्ञान भाव ज्ञानी करे अज्ञानी अज्ञान और द्रव कर्म पुद्गल करे यूं निश्चय परमान। अब उसी के संदर्भ में ये प्रश्न है, पहले प्रश्न समझ में आएगा तो उत्तर का समझ में आएगा, नहीं तो प्रश्न ही समझ में नहीं आए तो उत्तर कैसे आएगा। यहाँ एक प्रश्न संभव है कि यदि रागादि भाव अज्ञान भाव हैं, तो जो रागादि भाव ज्ञानी के पाए जाते हैं उनका कर्ता कौन होगा, क्यों ज्ञानी को जो आप कहते हो भी रागादि भाव अज्ञान है और भी कर्ता ज्ञानी उनका कर्ता है नहीं। मिथ्यात्व के साथ रहने वाले अनंतानुबंधी संबंधी रागादि का नाम ही अज्ञान भाव है। ऐसा अज्ञान भाव ज्ञानियों के होता ही नहीं, ऐसा अज्ञान भाव तो अज्ञानियों के ही होता है, अतः अज्ञानी ही उन अज्ञान भाव रूप रागादि भावों का करता है। अब देखो, अपन तो ये समझते थे कि हमने ये प्रश्न पूछा कि फिर उन्हें कौन करता है, तो ये बताएंगे भी फला करता है। वो कह रहे हैं कि जैसे रागादि भाव रूप अज्ञानी प्रणय में छुआ है, ऐसे ज्ञानी भी स्वयं रागादि भाव रूप प्रणय में छुआ है, तो यह प्रणमदि सा करता उसके हिसाब से तो ज्ञानी को भी करता कहना चाहिए उस राग का जो राग उसके है। लेकिन यहाँ अज्ञानी को कह रहे हो, ज्ञानी को नहीं कह रहे, इसलिए ये दिक्कत बहुत बड़ी खड़ी हो गई। तो वो कह रहे कि हम जो मिथ्यात्व के साथ राग होता है, माने अनंतानुबंधी संबंधी जो क्रोध मान माया लोभ होते हैं, उन राग को ही हम राग कहते हैं और बाकी को हम राग कहते ही नहीं। अब पहले से एक बात समझ रहे, क्योंकि इसमें ऐसी भी गाथा आएंगी कि परमाणु मात्रियम पिय रागादि नाम कि जिसके परमाणु मात्र भी राग है वो द्वादश अंग का पाठी हो सब्बागम धरोवी तो भी अज्ञानी है। अब द्वादश अंग का पाठी हो फिर अज्ञानी कैसे हो सकता, क्योंकि द्वादश अंग का पाठी तो श्रुत केवल ही होता है, वो तो कभी अज्ञानी हो ही नहीं सकता। और वह परमाणु मात्र राग यहाँ तो इतना ढेर सारा राग है तो कितना, तो वैसे हमको समझ में नहीं आता, अप्रत्याखाना वर्ण संबंधी, लेकिन ये कहेंगे 96,000 शादियां करने का राग है, 6 खंड की विभूति जोड़ने का राग है, तो समझ में आता कि बहुत है। ख्याल नहीं ना, दोनों में फर्क कितना पड़ता है, है? तो वो सारा राग अप्रत्याखाना वर्ण संबंधी है, और अप्रत्याखाना वर्ण संबंधी राग भी इस टाइप का इतनी तीव्रता वाला हो सकता है
कैसा तीव्रता वाला कि चक्र चला दिया भाई पे, और तीव्र राग के बिना ऐसी शादियां भी तो लगातार होती नहीं रह सकती है। माने राग द्वेष क्रोध मान वो जो अप्रत्याखाना वरण तक और अनंतानबंदी के राग द्वेष क्या है, इन दोनों के बीच की सीमा रेखा समझना बहुत कठिन है। जिसकी समझ में भी आ जाएगी वो भी अपनी भाषा देना उसे बहुत कठिन है। कैसे समझाएं? उसी को आप कह दोगे ये राग है, वे किसी कह दोगे नहीं है, क्योंकि हम तो ऐसे बाहर में ही ऐसा राग आदि होते देखते हैं तो उससे ही निर्णय करते हैं। तो इसमें तो शास्त्र के हिसाब से एक द्रिविलिंगी मुनिराज हैं और उनके अनंतानबंदी भी अज्ञान भाव है ना, राग आदि हैं मौजूद, और इतना मंद हो जाता है कि नौवें गिरी देखते चले जाते हैं। गुरुदेव इसे ऐसा समझाते थे कि कोई आदमी उनकी ऐसा चीरे, शरीर को चीरे, चमड़ी को ऐसा चाकू से, कुछ पहने चाकू से, फिर उसमें नमक भर के, मतलब मिर्ची डाले, तो बहुत जोर से चुनमन आएगी ना, तो भी जिसकी आंख क्या कोया लाल नहीं हो, उन्हें बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आए। इतना दुर्व्यवहार कोई करे और उतनी पीड़ा हो तो गुस्सा आ ही जाता है, भले ही वो उसे बदले में उसे मारे नहीं, कुछ नहीं करे, क्योंकि वो तो कमजोर आदमी होता है तो वो कुछ कर ही नहीं सकता, तो वैसे भी कुछ करता दिखाई नहीं देगा। लेकिन वो वैसे ही नहीं, धर्म के नाम से वो है ना साधु, तो मैं ऐसा करूँगा तो भ्रष्ट मान जाऊँगा, नरक में जाना पड़ेगा, इस भय से वो कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करे। माने शरीर को चीर कर नमक भर के तो भी आंख का कोया लाल नहीं हो, वो चक्रवर्ती आके नमस्कार करे तो भी मान में ना चढ़ जाए। हम इसे अपने अंदाज लगा दें, कभी कोई नेता वेता के पास में बगल में खड़े होकर और फोटो खिंचवा लेते हैं तो उसको ही कितना गौरव के साथ रखते हैं और लोगों को बताते हैं कि देखो इसके साथ मेरा अच्छे संबंध है, बताने की कोशिश करते हैं कि नहीं करते हैं। हम तो कुछ नहीं है ना, जीरो ही है ना, हम लोग राजनीति के हिसाब से आपके लौके कोई ऐसे काम कराने हों जो नेताओं से होते हैं वो तो हम कुछ नहीं करा सकते ना, तो हमारे साथ ही कितने आप लोग फोटो खिंचाते हो, तो संभाल के ही रखते हो गे ना, फेंक देने के लिए थोड़ी खींचते हो। और अपने माँ बाप को, भाई बहन को, कोई रिश्तेदार जो भी होंगे जिनको किसी को दिखाते भी होगे कि नहीं दिखाते। माने हमें तो इतने किसी के साथ छोटा सा फोटो आ गया तो बताएगा इतना लोग होता है, और वो कहते चक्रवर्ती नमस्कार करे तो उसका फोटो खींच करके घर में लगाने का नहीं हो तो अभी इतना मान नहीं हो, तो अभी कहते वो अनंतानबंदी का मानी है, वो द्रविलिंगी मुनि जो नौवें गिरी देख तक गया है। अब शास्त्र से हम ऐसा पढ़ते हैं और यहाँ हम लोक में तो सीधा सच्चाई यही समझते हैं, गुस्सा करता दिखता है, गालियां देता दिखाई दे तो तीव्र क्रोधी मानी है, और नहीं देख के शांत रह जाए ये सोच के अभी शांति जी ने चांटा मार दिया है, अब मैं ज्यादा हल्ला वल्ला करूंगा तो निकाल ओढ़ देंगे, तो चुपचाप बर्दाश्त कर ले, आप समझ गए ना, तो कुछ नहीं हो जाए, पता नहीं चले कैसे गुस्सा आता है। ऐसा भी लोग कहते हैं कि उनको तो कभी हमने गुस्सा करते देखा ही नहीं, हमने देखा है तुमने नहीं देखा, आपने कब देख लिया, कुछ जिनवाणी में देखा ना, शास्त्र में देखा ना, कि अभी यदि सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं है तो चारों प्रकार का क्रोध उदय रूप विद्यमान है 24 घंटे। तो हम क्रोध को कहां पहचानते हैं, हम सबको इस वक्त गुस्सा भी आ रहा है, मान भी हो रहा है, कौन मतलब चारों प्रकार का अज्ञान अवस्था है, तो फिर भी हमें कहां दिखते हैं कि ये मानी है ये क्रोधी है, कहते हैं तो बहुत शांत स्वभाव का है, उसे हमें कभी ऐसा देखा ही नहीं, ऐसा बोलते हैं। तो
हमारा और उनका जो जगत के हिसाब से क्रोध मान माया लोग समझते हैं, हिसाब किताब कैसे जम सकता है। अपन लोगों में तो ये डिफेक्ट हो गया है कि हर चीज शास्त्र से देखते हैं। देखो लिखा है ना इसी प्रवचन सार में, आगम चिट्ठा तदो जेठा नहीं, एक ऐसा शब्द भी है आगम चक्षु साहू, फिर आगम चक्षु हैं अपन, आगम चक्षु हो गए। हम ऐसा मान लेते कि उसको भी गुस्सा आ रहा है और इतना गुस्सा आया भरत पर चक्र चला दिया तो भी गुस्सा नहीं है अनंतानंदी, हमारी समझ में ये आता है कि उसे अब अनंतानंद गुस्सा था, ये हमारे समझ में नहीं आता। और सारे जगत की समझ में जो बाहर की क्रिया है वो आती समझ में, इसलिए धीरे धीरे दोनों में बहुत अंतर हो जाता है दृष्टिकोण में। और इसलिए हम कहते हैं निरंतर तुम अभ्यास नहीं करोगे तो नहीं आएगा वो समझ में। वैसे आप पढ़ते वक्त उसकी बात करते रहोगे और बाकी समय में वो लौकिक जो मार्ग है ना, जिसको हम गुस्सा क्रोध मान माया लोग कहते हैं, उसको ही मानते रहेंगे हम, है ना। तो अभी हम अभी क्रोध को क्रोध नहीं मान सकते, और जो क्रोध नहीं है उसको क्रोध मान लें तो हमें अभी क्रोध की पहचान नहीं है, आत्मा तो बहुत दूर की बात है ना। अभी यहाँ ये अपेक्षा चल रही है कि रागादि भाव का कर्ता भोक्ता और स्वामी यहाँ पर भगवान आत्मा को कहा जा रहा है। फिर उन्होंने कहा कि ये तो ठीक बात नहीं है, तो उन्होंने कहा अज्ञानी आत्मा है और ज्ञानी आत्मा नहीं है। अभी तो अज्ञानी तो निबट गए क्योंकि वे तो क्रोध आदि के कर्ता हैं और क्रोध आदि करते देखे ही जाते हैं, कहते भी हैं कि हाँ मैंने मुझे गुस्सा किया, मुझे ऐसा हो जाए ऐसा हुआ, लेकिन ज्ञानी राग आदि का कर्ता नहीं है। अब अपना प्रश्न क्या है आपको जानने के लिए पूछ रहा हूँ कि आपका ध्यान उधर है कि नहीं है। ये कह रहे हैं कि रागादि हमने ज्ञानियों को भी करते देखा है, कि तुम्हें ज्ञानी कहाँ से मिल गए थे जब तुमने ज्ञानियों को गुस्सा करते देखा है, क्या कहाँ देखा, क्यों शांति जी भाई वही बात याद है, अपन लोग आगम चक्षु हो गए हैं, अपन ने भरत चक्रवर्ती को गुस्सा करते देखा है क्या, कि कोई ज्ञानी तो हमें जगत में तो दिखता नहीं है, ये जो गुस्सा कर रहे हैं और वो ज्ञानी भी हैं, ये दो बातें हमें दिखती नहीं एक साथ। तो हम शास्त्रों की देखने का हमारा इतना अधिक दृष्टिकोण हो गया है कि 24 घंटा उन्हीं में रमे रहते हैं ना, तो हर बात उन्हीं से हमारी समझ में आ जाती है। शास्त्रों में लिखा है रामचंद्र जी छायक सम्यक दृष्टि थे और फिर कैसी कैसी सारा वन में गमन में गए और क्या क्या किया और रावण के साथ युद्ध किया और ये किया, कि जो भी सारी रामायण पूरी की पूरी वो हमें दिखाई देती है, तो बहुत राग द्वेष से ही भरी हुई है, उसमें है क्या हुआ। अंत में मोक्ष गए ना तो वीतरागी हो गए, लेकिन वो तो बिल्कुल अंत की बात है ना। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, तो जब अंत आता है मोक्ष जाते हैं तो कहानी खत्म हो जाती है, और जब तक राग द्वेष होता रहता है तब तक कहानी चलती रहती है। सारे प्रथमानियों की ये हालत है। कल तो मैं कह रहा था, सब शांति जी से भी कहा था और लोगों से भी कह रहा था कि जितने पुराण पढ़ना अंत के 10-20 पेज मत पढ़ना, क्योंकि मैंने पढ़े हैं तो उनका कटु अनुभव मुझे को है। क्या दिक्कत है उसमें भाई, ये पहले तो खूब ठाट बाट, इतना राज जीतते गए, 3 खंड के मालिक हो गए, इतना हो गए, सब वैभव 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 चारों तरफ दिखाई देता जाता है ना। और अंत में फिर वे मर गए, उन्हें मर गया, युद्ध की में वे मारे गए, इनका ही हो गया, ये मोक्ष चले गए, विदिशा लेके चले गए, और पूरी अयोध्या उजड़ जाती है, पूरी द्वारका उजड़ जाती है, आग लग जाती है, साफ हो जाती है। जितना उसका वैभव हमने देखा है उसको उजड़ते हम नहीं देख सकते। आपका दिल बहुत खट्टा हो जाएगा, मेरा तो बहुत हो जाएगा, बिल्कुल मैं तो तड़प जैसा जाता हूं, मुझे अच्छा नहीं लगता। वो पढ़ू उसको ये तो खाना नहीं खाते समझो। तुम देखो द्वारका की क्या हालत हुई होगी,
उस द्वारका में खड़े होके देखो तो आपको मालूम पड़ेगा। तो धीरे धीरे यदि हमको साधु बनना है, बनना है, बनना ही है, मोक्ष जाना है तो बनना ही है ना, नहीं बनने की बात अपन क्यों करें। तो हमको आगम के प्रति इतनी दृढ़ आस्था और हर चीज आगम के आधार पर देखने की आदत पड़नी चाहिए, समझ रहे। देखो मैं कहाँ चल रहा है, मिथ्यात्व के साथ रहने वाले अनंतानुबंधी संबंधी रागादि का नाम अज्ञान भाव है, बाकी के रागादि का नाम अज्ञान भाव ही नहीं है, समझे ना। ऐसा अज्ञान भाव ज्ञानियों के होता नहीं है, ऐसा अज्ञान भाव तो अज्ञानियों के ही होता है, अतः अज्ञान ही उस अज्ञान भाव रूप रागादि भावों के करता है। शांति जी संवेद शिखर में शिविर था और बड़े बड़े पंडित लोग वहाँ मौजूद थे और मैं भी था, तब जब बड़ा पंडित नहीं था, थोड़ा छोटा था, तो वहाँ पर ये बार बार बात आती थी कि रागादि का कर्ता ज्ञानी नहीं है, रागादि का कर्ता ज्ञानी नहीं है। तो बहुत भाई ऐसा कैसे, वो अज्ञानी तो है और अज्ञानी नहीं है, ये तो अन्याय है, तुमने उन ज्ञानी को सारा सर्टिफिकेट दे दिया, वो चाहे जो कुछ करे और अज्ञानी को। मैंने कहा था वहाँ तो सब लोग वहाँ के फाड़ फाड़ के देखने लग गए कि क्या बात कर रहे हो, ज्ञानी के जो राग के वे करता नहीं है, वो राग उनके है ही नहीं, तो काय के करता होंगे, समझ में आई ना। हम तो समझते ढेर सारा राग है और राग कर रहे हैं और उसके वे करता नहीं है, यही समझ रहे ना। अब मैं क्या कह रहा हूं कि जिस राग का करता नहीं है वो, ऐसा हम कह रहे हैं, वो राग उनके है ही नहीं, तो उसमें कौन सी गजब की बात हो गई। ये बात तो ऐसी ही है ना कि वो जो राग नहीं है उसके करता नहीं है, तो क्या गजब हो गया। एक आध लड़का, एक बुढ़ी अम्मा जा रही थी और अपनी पोती को साथ में लेकर, और एक घुड़सवार आया तो वो थोड़ा रुका तो बुढ़ी अम्मा ने कहा, बेटा कहाँ जा रहा है, क्यों तुझे कहाँ जाना। कि मैं तो जयपुर जाऊंगी, उधर पास में जो है ना अजमेरी गेट में। अच्छा अच्छा मैं भी अजमेरी गेट जा रहा हूँ। तो बेटा तू इस मेरी बिटिया को बैठा ले, थक गई है। तो उसने कहा हाँ बैठा लो, बैठा लिया। फिर कहा ये मेरी एक पोटली है, अब मेरे से भी बुढ़ापा हो गया ना तो नहीं ढुबती है, तू चाहे तो घोड़ी पे ये भी रख ले। तो रख ली उसने। फिर उसने पूछा बेटा तेरा नाम क्या है। तो उसने कहा जमाई राजा। क्या नाम है। अब बस वो बैठा थोड़ी देर तो चला धीरे धीरे, और फिर जोर से घोड़ी दौड़ाई। वो बुढ़ी चिल्लाती रह गई, उसके दिमाग में आया अब जे भग गया और ले गया लड़की को गठरी को तो मैं इसे कहाँ ढूंढती फिरूंगी। उसने कहा ये तो बिल्कुल दहेज सहित पत्नी मिल गई, अब मैं क्यों छोड़ू इसे क्या। तो वो भागा लेकर के। तो वो लोगों ने बुढ़ी अम्मा से पूछा क्यों क्यों, कि लड़की को लेके भाग गया, उसे पकड़ो पकड़ो पकड़ो, कि कौन भाग गया, कौन भाग गया, कि जमाई राजा। जमाई राजा नहीं भागेगा तो कौन भागेगा। समझ जाए ना, मैंने इसमें आश्चर्य की क्या बात है, ये तो होना ही है। ऐसा ही है कि जो राग नहीं है उसका करता नहीं है, इसमें क्या दम है। अब हम राग तो वो लगा लेते हैं जो है और कर यहाँ करता लगा लेते हैं, तो वो बात कठिन लगती है। तो कितनी सरल है, वो सब बड़े बड़े विद्वान भी उस रागादि की समझ रहे थे, कौन जो उनके है अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संतुलन, और उसका करता आत्मा नहीं है, उसका तो करता है स्वीकार करते हैं। यहाँ तो उस राग का कर्ता मना कर रहे हैं जो राग उनके है नहीं, लगाना के लिए मैंने निकाल के बताई पंक्ति पढ़ के सुनाई। मिथ्यात्व के साथ रहने वाले
अनंतानबंदी संबंधी रागादि का नाम ही अज्ञान भाव है। ऐसा अज्ञान भाव ज्ञानियों के होता ही नहीं है। ऐसा अज्ञान भाव तो अज्ञानियों के ही होता है, अतः अज्ञानी ही उस अज्ञान भाव रूप रागादि भावों के करता है। हो गया समाधान। देखो ज्ञानी के होने वाले अप्रत्याख्याना वर्णादि संबंधी रागादि भावों का ज्ञानी करता नहीं है, अपितु ज्ञाता ही है, क्योंकि वह उन्हें जानता तो है पर उनका कर्ता नहीं बनता। अब जो राग हैं उनके बारे में क्या स्थिति है, क्योंकि उन राग रूप वो पढ़ने में तो होता है, समझे ना। तो अतः वह उन्हें जानने रूप क्रिया का कर्ता तो है पर उन रागादि भावों का कर्ता नहीं है। पर का कर्ता तो ज्ञानी और अज्ञानी दोनों ही नहीं है। माने जो देहादि का कर्ता, देहादि माने वो पर, और रागादि माने अपने विकारी भाव, इनका कर्ता अज्ञानी तो दोनों का ही कर्ता बनता है, और ज्ञानी उनका पर का कर्ता नहीं है। अज्ञानी अवस्था में अज्ञानी, अज्ञानी माने अज्ञान अवस्था में एक जीव, क्यों हम अज्ञानी में एक अलग पकड़ लेते हैं और ज्ञानी में एक अलग पकड़ लेते हैं। खुद को ही पकड़ो ना, अज्ञान अवस्था में हम ही उसके कर्ता थे और हम जब ज्ञानी हो गए तो हम ही उसके कर्ता नहीं रहे। तो वे कहते क्या तर्क ऐसा, तो करो नहीं रह करते, ऐसे कहीं होता है, तुम करते रहोगे और कर्ता नहीं रहोगे। तो कहते हैं कि हम उसके कर्ता बनते नहीं हैं, बनते नहीं हैं, आने अपने को मानते नहीं हैं। असली कर्ता तो वो है जो अपने को कर्ता माने, करते तो बुद्धि जिसके पास हो, माने श्रद्धा संबंधी दोष का नाम कर्तापन है। यहाँ जो कर्ता बुद्धि का नाम कर्तापन है, वो रागादि रूप हम परिणमित हुए हैं वो बात अलग है, उससे हम कर्ता नहीं बनते हैं। या हम अपने को उसका कर्ता माने, है ना, तब ऐसे गौरव के साथ कहते हैं ना कुछ लोग, हम तो ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। जैसे कोई वो ईंट चलाना और पत्थर चलाना बहुत बढ़िया काम हो तो हम उसे पीछे क्यों रहेंगे, क्यों, वो ईंट मारेगा तो हम पत्थर मारेंगे, ईंट का जवाब हम पत्थर से देना जानते हैं। और ये कहते भाई अपने श्लोक आता है एक संस्कृत में, ददतु ददतु गाली गाली मंतो भवंता, इतना ही याद है मुझे, ज्यादा हमारा लेकिन अपना काम हो गया। एक छंद है पूरा बहुत बढ़िया कि ददतु ददतु गाली, हे भाई तुम दो गाली, खूब अच्छी तरह दो गालियां दो हमें, ददतु ददतु गाली, क्योंकि आप गाली मन तो भवंता, आप गालीमान है ना, धनवान होते हैं वो ही धन देते हैं, ज्ञानवान होते हैं वो ज्ञान देते हैं, जो जिसके पास होता है वो ही तो देगा, तो आप गाली देते हो तो गाली मन तो भवंता, धनवान धन देते हैं तो वे धनवान कहलाते हैं ना, ज्ञानवान ज्ञान देते हैं तो वे ज्ञानवान कहलाते हैं ना, तो तुम गाली देते हो इसका मतलब गालियों का स्टॉक तुम्हारे पास बहुत अच्छा है। ददतु ददतु गाली गाली मंतो भवंता वयम, देखो अभी मैं अपनी तरफ से उसे जोड़ जाड़ के बोलता हूँ, याद नहीं है मुझे, उसमें ऐसा है कि हम तो आपका बदला देने में समर्थ नहीं है, क्योंकि हमारे पास गालियां हैं नहीं हमारे स्टॉक में। अगली पंक्ति में ये लिखा है कि हम असमर्थ नहीं हैं। एक होता है ना कि जैसे कि आप हमारे यहाँ शादी में आए तो आपने 100 रुपया व्यवहार लिखाया, तो अपने यहाँ होता था ना, अपन जाएं तो अपन को भी 100 रुपया तो लिखाना चाहिए ना, ज़्यादा लिखाओ तो बढ़िया है, लेकिन उतना व्यवहार तो चुकाना ही पड़ता है ना, अपन ऐसा मानते हैं कि नहीं। उनने अपन को यदि कपड़े दिए थे तो अपन भी कपड़ा देवें, उनने अपनी महिलाओं को साड़ी दी थी तो अपन भी उनकी महिलाओं को साड़ी देवें, ऐसा व्यवहार तो आप जानते हो ना। तो जब आप हमें गालियाँ दें तो हमें भी आपको बदले में गालियाँ देना चाहिए, लेकिन हम गरीब आदमी हैं, हमारे पास गालियों का स्टॉक नहीं है। खेमचंद भाई बोला करते थे अपने प्रवचन में, ददतु ददतु गाली गाली मंतो भवंता वयम तु असमर्था गाली दाने समर्था, ऐसा पद था, हम तो गाली देने में असमर्थ हैं।
तो आपके कर्जदार रहेंगे, बस इतनी सी बात है। और फिर आगे कहते थे कि एक बात बताओ कि कोई किसी को कोई चीज देता है और वो नहीं ले तो क्या किसकी होती है? वो ऐसा बोलते हैं ना कि भाई हमने आपको कहा कि ये हमने 1000 रुपया आपके यहाँ शादी में व्यवहार दिया, तो आजकल कहते हैं हम नहीं लेंगे। आजकल तो उसमें पत्र में छापने लग गए कि कोई गिफ्ट लेके नहीं आए, क्योंकि गिफ्ट में जो चाहे जो चीज़ें ले आते हैं आराम से नाम, और घर में रखने की जगह नहीं, काम की चीज़ें नहीं होती हैं, और सब एक सी चीज़ें आ जाती हैं, ढेर लग जाता है, और हमको उन सब का बदला चुकाना। हर एक के यहाँ शादी में जाओ तो गिफ्ट लेके जाओ, ऐसा नहीं है। बहुत बड़े महान आदमी हैं जो ऐसा लिख रहे हैं, वो तो आफत से बचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि व्यवहार तो चुकाना पड़ेगा ना। और जो सोचता है का व्यवहार व्यवहार आ गई तो रख लो, काम आ जाएगी तो मजा आएगी, नहीं तो फेंक जाएगी, देखो व्यवहार। तो वो कहते हैं कि हम गालीबान नहीं है तो हम आपका व्यवहार नहीं चुका सकते हैं, लेकिन व्यवहार नहीं चुकाने वालों को ये होना चाहिए कि फिर वो व्यवहार ले बने। फिर तुम्हारे यहाँ शादी में जो लोग आए तो तुम उनसे व्यवहार में पैसे लो मत, तुम गिफ्ट नहीं देना चाहते हो तो गिफ्ट लो मत हैं, तो हम तुम्हारी गिफ्ट स्वीकार नहीं कर रहे, तुम हमें गाली दे रहे हो तो वे किसकी हुई? वो तुम्हारे पास ही रहेंगी ना। माने वो गाली दूसरे को जो दी जाती है वो लौट के तुम्हारे ही पास आती है, ऐसा उसका अर्थ है। तो मेरे कहने का मतलब आपको मैं ये अपेक्षा बता रहा हूँ, इसमें लिखी है ये, मैंने और स्पष्ट भाषा में लिखने की कोशिश करी, क्योंकि मैं जानता था बड़े बड़े विद्वान की समझ में नहीं आ रहा है ये तो वो राग के हम करता नहीं है, जो राग हम में पैदा ही नहीं हुआ, और जो राग के करता हैं वो तो हो ही रहा है, तो फिर उसके भी दो करता कह रहे तुम, कि उसके बारे में अभी हम कुछ नहीं कह रहे, शांति समझना। क्या अनंत आनंद जी का राग है नहीं, हम उसके करता नहीं है, जो है नहीं उसके करता नहीं है, जो अप्रत्याखाना प्रत्याखान है तो वो हो रहा है हमारी पर्याय में, तो कायदे से हमें करता होना चाहिए। तो वो कहते हैं कि हम प्रवचन सार में ही अभी नए आएंगे ना 47, तो उसमें एक करता नए आएगा, उस करता नए से हम उस राग के करता, देखो वो जिस राग के करता तो उन्हें समझ रहे थे कि करता नहीं है कह रहे ज्ञानी, उसके तो करता है इसी प्रवचन सार में कह रहे, अब क्या बाकी रह गया, समझना क्या बात हो गई, कितनी सरल बात हो गई कि वो रागादिक जो हमारे हैं नहीं उनके हम करता नहीं है, तो ये कोई समस्या नहीं रही। अब जिनके हम करता राग है ढेर सारा और हम कह रहे हैं हम उसके राग के करता नहीं है, तो दुनिया को ऑब्जेक्शन होता है। तो अपने यहाँ कहते हैं कि करता नए से हम उसके करता हैं, तो उनके करता स्वीकार कर रहे, और हम जिसको भी अकर्ता कह रहे थे जिस राग की उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे, और इन राग का अकर्ता कह रहे थे इसलिए वो हमारी समझ में नहीं आ रहा था, ये तो माथे पे 3 सल पड़ रहे थे। देखने में बात बहुत बड़ी है, कितनी छोटी हो गई, तो उन्होंने कहा वो तो खत्म हो गई, फिर तो समय सार का विरोध हो गया, कि नहीं नहीं घबराओ मत, वहीं पर एक अकर्ता ने भी लिखा, और जिसमें ये लिखा है कि करता नए से करता है, और आगे लिखा कि अकर्ता नए से अकर्ता भी है, वो साधवाद आ गया, सब झगड़ा खत्म। पढ़ा कौन पढ़ेगा, बोलो पढ़ो शांति से, अच्छी तरह स्पीकर पे हैं, ढंग से पढ़ो, अभी मैं नहीं पढ़ूंगा, अभी पूरा पढ़ लो तुम यहाँ तक, ये जो नंबर डले ना 186-187 तक, हाँ जो मैंने कहना था वो कह दिया। प्रवचन सार परिशिष्ट में 47 नियमों के प्रकरण में आत्मा को कर्ता नए से अप्रत्यक्ष वर्णादि रागादि भावों का कर्ता कहा है, पर साथ में वही जीव उसी समय अकर्ता नए से उक्त रागादि का अकर्ता भी है, यह भी कहा है। विभिन्न स्थानों पर विभिन्न अपेक्षाओं से कथन किया जाता है, अतः कहां किस अपेक्षा से कथन किया गया है इसे बारीकी से समझना चाहिए। यहाँ तो मूलतः यह कहा गया है कि यद्यपि यह भगवान आत्मा
अशुद्ध निश्चय से रावादी का कर्ता होने पर भी पर का कर्ता नहीं है, तथापि असद्भुत व्यवहार में से आत्मा अपने रावादी भावों को करते हुए पुत्र कर्मों को करता है, ग्रहण करता है और उनका त्याग भी करता है। उक्त दोनों गाथाओं में से पहली गाथा में निश्चय से पर का कर्ता बताया और दूसरी गाथा में व्यवहार से कथनचित पर का कर्ता भी बताया है। आचार्य हो गया ना, अत्यंत स्पष्ट हो गया ना, जो मैंने बात इतनी देर तक समझाई थी उदाहरण वगैरह दे करके, वो वही बात लिखी ना इसमें, क्लियर है ये इस गाथाओं का अर्थ है। अरे इतनी बात समझ में आ जाए आपके कि कर्ता कर्ता का क्या झगड़ा है, कि कभी कहते राग का कर्ता है नहीं, ज्ञानी नहीं है, फलानी नहीं है, अब हम राग को तो एक ही को मान के बैठे हैं। जैसे कल मैंने समझाया था उदाहरण दे के कि भोजन की क्रिया है तो दो क्रियाएं, एक आत्मा में खाने का विकल्प होता है वो क्रिया, और एक भोजन थाली का जाने का, हमने एक मान ली और फिर दो एक कर्ता खोजते हैं। तो जब राग का राग के भाव का कर्ता बोलते हैं तो पुद्गल नहीं दूर खड़ा हो जाता है, जब पुद्गल की क्रिया का कर्ता बोलते हैं तो आत्मा खड़ा हो जाता है, हमारी समझ में नहीं आता। वो अपेक्षा हमारे ख्याल में आ जाए कि दोनों अपेक्षाएँ क्या हैं तो समझ में आ जाती है बात, मतलब कोई ऐसी असंभव बातें नहीं है जैन दर्शन में, और इतनी भी ज़्यादा कठिन नहीं है कि किसी की समझ में नहीं आए, लेकिन थोड़ा तो माथा मारना पड़ेगा ना, थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी ना, ध्यान से देना पड़ेगा तो सब समझ में आता है। चलो अब आगे पढ़ो। आचार्य जयसेन की तात्पर्य ग्रंथ की टीका में इन गाथाओं के उपरांत एक गाथा आती है जो आचार्य अमृत चंद्र तत्व प्रदीप का टीका में उपलब्ध नहीं होगी। गाथा मूलतः इस प्रकार है। सो बैठी सोही देखो सुमार संके सम्मी विवरी दो दुजहनो अनुभागो सब पैरीरम विशुद्ध तम परिणाम से शुभ तम करम का बंध हो था जय सेनाचार्य की टीका में है और अमृतचंदाचार्य की टीका में नहीं है, ये एक क्या चक्कर है। ऐसे समय सार में भी 15-20 गाथाएँ 25 गाथाएँ ऐसी हैं कि जो समय सार में नहीं है, और जय सेनाचार्य की जो टीका है ना उसमें है, आत्मख्याति में नहीं है। अब इसमें ऐसा लगता है कि अमृतचंद्र को जो प्रीति मिली उसमें ये गाथाएं होंगी ही नहीं, तो फिर वे टीका क्या लिखते हैं। और जयसेनाचार्य को जो प्रीति मिली कि वो 300 वर्ष का फर्क है, तो 300 वर्ष में बहुत प्रक्षेपण हो जाता है, लोग यहाँ वहाँ से गाथाएं ला के इसमें मिला देते हैं, कर देते हैं, कोटेशन के रूप में रख देते हैं। पहले ऐसी आदत तो थी नहीं कि सब लिखें कि ये गाथा हमने वहाँ से लाई है, यहाँ से लेके रखी है, तो उठा के रख देते थे, उन्हें बताने की जरूरत भी नहीं समझते थे और सीधी गाथाओं में ही मिला देते थे, ख्याल में आए ना। तो ये ऐसा होता था। तो अब वो क्या हुआ, ऐसा भी हो सकता है कि अमृतचंद्राचार्य ने उन गाथाओं पर कुछ लिखना उचित नहीं समझा। आपने देखा हो कई जगह अकेली इतनी टीका लिख देते हैं सुगमम मेतत, ये तो बहुत सरल है, इसका क्या टीका ले हम हैं। और कई तो बिल्कुल गाथा में जितना लिखा उतनी हूबहू लिख देते हैं संस्कृत में, और कई तो उस आधा लिखते हैं छोड़ देते हैं,
तो हो सकता है कि इन टीकाओं पर उनने सुगमम एतत लिखना चाहते होंगे और सुगमम एतत नहीं लिखा, कुछ उनकी टीका ही नहीं की, क्योंकि करने लायक कुछ जैसा दिखा नहीं। इसलिए जो लिपिकार थे, लिपिकार समझे कौन है, कि जो एक कॉपी से दूसरी बनाते थे, दूसरे से तीसरी, तीसरी से चौथी, तो जिस गाथा का उसमें जो टीका नहीं लिखी थी तो उनने समझ ली कि ये गाथा कहीं से आ गई है, तो उन्होंने वह गाथा ही छोड़ दी। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने उसमें लिखना कुछ उचित नहीं समझा, और जैसे ना चारी ने, लेकिन गहराई से मैंने अध्ययन किया तो मैंने ये देखा है कि इन गाथाओं को निकाल दो तो भी कहीं से क्रम भंग नहीं होता, ऐसा नहीं लगता कि यहाँ कुछ छूट गया है, बिल्कुल वैसी बात चलती रहती है। हमने चंद्राचार्य की टीका की और बिल्कुल वो गाथा में, और अब देखो ये बिल्कुल यहाँ तो कौन से कैसा बंद होता है ये बात बता रहे, वही राजदेव से तीव्र बंद होता है, मंद बंद होता है, ये अभी तीव्र बंद की बात थोड़ी है, अभी बात तो ये चल रही है कि राघा जी का कर्ता आत्मा है कि नहीं है, अज्ञान अवस्था में अज्ञानी है और ज्ञान अवस्था ज्ञानी ज्ञानी नहीं है, और नहीं है तो किनका नहीं है और किनका है, वो सारा मीमांसा है। और उसे फिर कर्म बंद होगा तो इससे शुभ से अशुभ होगा, अशुभ से अशुभ होगा, शुद्ध से मतलब विशुद्ध भावों से शुभ बंद कर्म बंद होगा, तो ये तो सब मोटी अलग बात है, मतलब ये नहीं कहता हूँ, तो बिल्कुल अलग हटके बात है। अब उनने लगा ना ये सो अगली गाथा है, ये सो बंद समासों से शुरू होती है, इतना बंध का संक्षेप में कथन है, ये उपसंहार की गाथा है ना, तो वो हमें गाथा नहीं गिने तो भी बैठ जाती है कि नहीं। उनने कहा था ना कि उनको ऐसा होता है, उनको ऐसा होता है, वे कर्ता होते हैं, वे कर्ता नहीं होते हैं, जो कर्ता होते हैं उन्हें बंद होता है, जो कर्ता नहीं होते उन्हें बंद नहीं होता है। अब वो ज्ञानी के अनंतान बंदी आदि जो प्रकृतियाँ चली गई तो उनसे जो प्रकृतियों का बंध होता था तो वे प्रकृतियों का बंध की विच्छुत्ति हो गई ना, 41 प्रकृतियों की बंध की विच्छुत्ति हो जाती है ना, तो वे अनंतान बंदी आदि कसायों के कारण वो होती थी, अब वे चली गई तो वे बंध नहीं होती हैं, तो ये सो बंध समास हो बस उससे मिल गया। अब इसमें इतनी तो कह दिया है कि सुबह से सुबह सुबह से, ये तो मोटी बात है ना, क्योंकि नहीं कहो अमेजन कहते मैं क्या टीका लिखूंगी इसमें, ऐसे अथवा किसी ने गाथा लगा दी, कैसे आ गई हम नहीं कह सकते, लेकिन दोनों में अंतर है। लेकिन वो गाथा ऐसी नहीं लगती कि ये रह गई तो कुछ रह गया है। और अब और भाषा विज्ञानी लोग यदि गहराई से अध्ययन करें तो कदाचित उनको वो भी मिल सकता है कि उनकी जो कुंद कुंद की गाथाओं का स्टैंडर्ड है वो स्टैंडर्ड कायम रहा कि नहीं रहा। जैसे मैं बोलूँ कि समय सार की गाथाएं हैं तो विषय वस्तु की दृष्टि से, भाषा की दृष्टि से जितनी प्रौढ़ हैं, मतलब बहुत महत्वपूर्ण हैं, उनका अर्थ भी कितना गंभीर है। अभी एक उनका ग्रंथ और माना जाता है क्या, रैण पावर, रैण सार समझ लो, तो वो रैण सार में उतनी गंभीरता नहीं है, कभी कभी लगता ही नहीं कि कुंद कुंद की कृति है, उसमें लोग वो शंका ही करते रहते हैं। अब कभी लिखी गई होगी, होगी तो जैसे कि अब टोलमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशा कितना गंभीर है और देख टीकाएँ भी कितनी गंभीर हैं, लेकिन वो गोमठ सार पूजन उन्होंने लिखी जो कहीं चलती ही नहीं, गायब ही है, वो ऐसे ही है, उसमें कुछ में ज़्यादा दम नहीं है, मतलब उनने कह दिया होगी कल खत्म हो गई, कल फंक्शन रखते हैं इसका, मंदिर में बुलाएंगे सबको और कहेंगे, तो पंडित जी से कहीं कहा हुआ है शाम रात को ही कि तुम इसकी पूजा बना दो, सब लोग पूजा करेंगे सुबह, तो रात में लिख लिखा दी होगी उनने ऐसी अरुचि पूर्वक, यदि उसमें दम होता तो वो जिंदा रहती मिली भी नहीं हमें पूरी तरह से उपलब्ध, जितनी भी मिली थी और जहाँ देखने को मिली थी वो उसमें दम नहीं था, तो हमने भी ध्यान उसमें नहीं दिया। तो ऐसा भी हो सकता है कि उनके जब वे प्रौढ़ नहीं होंगे तब का लिखा ग्रंथ हो, और कुछ बातें बहुत हो सकती हैं, ऐसे ग्रंथ बहुत हैं।
एक छत्र चूड़ामणि और गद्य चिंतामणि है ना। छत्र चूड़ामणि में भी वही जीवनधर की कहानी है और गद्य चिंतामणि में भी वही जीवनधर स्वामी की कहानी है। कहानी तो दोनों की एक रह गई, और वो कहानी 5 पेज में लिख दो तो बस अपन एक दिन आधा घंटा में बैठ के पढ़ लो और कहानी अपन को मालूम पड़ जाती है। अब पूरा गद्य चिंतामणि छत्र चूड़ामणि हम विद्यालय में पढ़ने जाते थे तो पहले साल पढ़ाई जाती थी, और गद्य चिंतामणि 8वें साल पढ़ाई जाती थी। 3 साल की प्रवेश का, 3 साल की विशारद, फिर 2 साल की शास्त्री। शास्त्री फाइनल में थी वो, और एक प्रवेश का प्रथम खंड में। एक कहानी एक कवि की लिखी हुई और एक किताब पढ़ाई जाए, 8 वर्ष पढ़ लो तुम तो उसके बाद, और एक फर्स्ट डे में पढ़ाई जाए, क्या कितना अंतर होगा दोनों किताबों में। यानी इतनी सरलतम किताब भी वो ही एक अजित सेन सूरी की लिखी हुई है, बादीप सिंह सूरी भी उनका नाम है, पर उपाधि होगी ये बादीप सिंह, बादी रूपी इभ माने हस्ती के लिए सिंह के समान, बादी सिंह सूरी के लाल ऐसी उपाधि होगी। और वो गद्य चिंतामणि कादंबरी के काव्य स्तर का काव्य है, 3-3 पेज में एक वाक्य खत्म होता है, 3 पेज तक वो फुल स्टॉप लगाना कठिन है, समझ रहे वो इतनी कठिन कहानी वही एक है, वो एक ही कवि की लिखी हुई है। एक ये पद्य में है, वो गद्य में है, उसका नाम गद्य चिंतामणि, इसका नाम छत्र चूड़ामणि, नाम भी एक से ही है। इसकी ये विशेषता है छत्र चूड़ामणि की, अन्ना जी को बहुत प्रिय है, हम लोगों को भी ये, हम लोगों भी पढ़ी थी, आप लोगों को भी अन्ना जी ने बताई होगी, पढ़ाई होगी। तो उसमें एक लाइन दो श्लोक में 2 लाइनें होती ना, तो एक लाइन में कहानी आगे चलती है और एक लाइन में कोई नीति वाक्य है, इसलिए वो नीति शास्त्र का ग्रंथ है। मैंने कविता के माध्यम से नीतियों को सामने लाना, इसलिए ये भी बहुत बड़ी विशेषता है, है ना? क्या जैसे मैं एक तुमको उदाहरण बताता हूं, जीवनधर स्वामी की माँ उनको मिली 14-15-16 वर्ष बाद, अपहरण हो गया था, ये अलग पले, वो माँ ने विधवा जैसा जीवन अलग बिताया। तो जब उन्हें मिले तो वो बहुत दुखी थी, क्योंकि उसके ही प्राइम मिनिस्टर ने, मंत्री ने उसके पति को राजा को मार डाला था और राज्य पे कब्जा कर लिया था, तो उसके प्रति उसके दिल में बहुत क्रोध था उसकी माँ को। तो बेटा मिला तो और तो बातें बाद में, कि बेटा तुम उसे कब मारेगा, मुझे काष्टांगार से बदला लेना था। तो जीवनधर स्वामी से उसने ये सब बातें कही कि तेरा पिताजी के साथ में, भाई तेरा जी मिनिस्टर था अपना, और इसने ऐसा किया। तो वहाँ पर वो कहते हैं जीवनधर स्वामी अपनी बहुत प्रशंसा करते हैं, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा। तो वो जो उनके गुरुजी थे, उनने प्रतिज्ञा लगाई कि बेटा साल भर तक तुम किसी से लड़ोगे नहीं, पहले मेरे सामने प्रतिज्ञा करो तब मैं तुम्हें छोड़ूंगा, क्योंकि तुम अभी अनाड़ी हो और वो तो राजा है इतने दिनों का, 16 साल से उसका, तुम उसे कैसे मार दोगे, जाकर के भिड़ जाओगे और मर जाओगे उसके हाथ से, बाप मर गया और तुम भी मर जाना। तो ये बहुत प्रशंसा कर रहा था, तो कवि के चित्त में एक विकल्प आया कि ये इसका प्रशंसा करना इतना अपनी प्रशंसा उचित है क्या। तो वहां इसने नीति लिखी, अब आप सोच नहीं सकते, मुग्धेषु अतिविदग्धानां युक्तम ही आत्मकीर्तनम्। जो भोले भाले प्राणी हैं उनके सामने जो अत्यंत चतुर लोग हैं वे अपनी प्रशंसा करें तो वो ठीक ही है, ऐसा लगा लेगा। मुग्धेषु माने भोले भाले, और अति विदग्धा नाम माने जो अत्यंत चतुर है, यानी वो जीवनधर स्वामी अत्यंत चतुर थे और माँ बेचारी भोली थी,
तो क्या मुग्धेशु अति विदग्धा नाम, जो मूर्ख लोग हैं उनमें अत्यंत चतुर लोगों को अपनी प्रशंसा करनी ही चाहिए। तो आप किसको, आपके गले उतरती है, है? क्यों करना चाहिए भाई, चाहे मूर्खों में हो चाहे समझदारों में हो। वो कहते हैं कि वो जितनी घबराई हुई है, यदि वो कह गया अरे साहब क्या कह रहे हैं, वो मुझे भी मार डालेगा तो वो बहुत दुखी हो जाएगी। अभी तक वो आशा बांधे बैठे थी कि मेरा बेटा कहीं होगा और वो आएगा और वो अपने बाप के मौत का बदला जरूर लेगा, और वो बेटा ऐसी बात करने लग जाए तो वो माँ का धैर्य टूट जाएगा। तो माँ का धैर्य बना रहे इसके लिए उसे अपनी प्रशंसा करना बहुत जरूरी है। ये नीति है, समझे ना। मुग्धेषु अति विदग्धा नाम युक्तम ही आत्मकीर्तनम। अब जैसे कोई झगड़ा हो गया हो तो इधर आकर के सब घबरा रहे हों, छिप रहे हों, भग रहे हों, हाय राम क्या करें क्या करें। तो कोई आदमी आता है ना, तुम क्यों घबराते हो, खड़े खड़े हो, मैं हूँ ना, मैं हूँ, तो तू क्या करेगा, तू भी बिना हथियार के भी हथियारों से लेस आएंगे क्यों। तो वो भी जानता है कि मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा क्या, लेकिन वो हिम्मत बनाता है ना, प्रशंसा कर, कैसे नहीं कर पाएंगे, तुम क्या समझते हो। और फिर थोड़ी देर बाद जब सब शांत हो जाएंगे तो कहेंगे चुपचाप धीरे धीरे अपन निकल चल रहे, उधर कोई रास्ता बताएगा, मेरे कहने का मतलब लड़ने को नहीं भी कहेगा। तो अभी पहले उसकी ड्यूटी है कि जो घबरा रहे हैं लोग उनको धैर्य बनाए। ऐसी ऐसी नीतियां हर श्लोक में, ऐसा श्लोक तो मिलेगा कि जिसमें अकेला नीति वाक्य हो लेकिन कहानी आगे ना बढ़े, लेकिन ऐसा श्लोक नहीं मिलेगा कि जहां कहानी बढ़ जाए और नीति वाक्य नहीं हो। माने नीति वाक्य तो हर श्लोक में होना ही चाहिए। कहां कहां पढ़ रहे थे, हो गया ना, अपने एक पैरा रह गया ना पढ़ने में। हाँ अभी है, दो मिनट पढ़ो, बोलो। पर कर्तृत्व भोक्तृत्व संबंधी जितना भी कथन है वह सब असद्भूत व्यवहार में का कथन है। यद्यपि यह कथन प्रयोजन पूर्णता ही उपयोगी है, जाने योग्य है, उपाधेय है, तथापि करणानियोग का मूल आधार भी यही है, क्योंकि करणानियोग आत्मा के विकारी भावों और पौद्गलिक कारण वर्गणाओं में होने वाले निमित्त नैमित्तिक संबंध को आधार बनाकर ही अपनी बात प्रस्तुत करता है। देखो पहले की ऊपर की मैं पंक्ति ये कहा था, अब जिसको ज्यादा जानना हो वो करुणा नियोग से जान लेना। मैंने बंद प्रक्रिया के लिए जो एक श्लोक लिखा ना उनने, तो मैं कहते हम बंद प्रक्रिया नहीं समझाएंगे, कर्म कैसे बनते हैं कैसे आते हैं तुम्हें जानना हो तो करुणा नियोग से जान लेना। फिर वो नीचे कहते हैं कि भाई जितना भी ये कथन है वो असद्भूत व्यवहार न्याय का है। कौन सा कथन है असद्भूत व्यवहार न्याय का, है? हाँ लिखा ना, पर का कर्तृत्व भोक्तृत्व संबंधी, एक देव दूसरे देव का कर्ता भोक्ता है, ये सारा कथन असद्भूत व्यवहार न्याय का होता है। ये तो आप जानते हो ना, नए चक्र पढ़ते हो इसलिए। तो ये एक प्रयोजन पूर्णता उपयोगी होता है, कोई पॉइंट है ना उसके लिए वो उपयोगी होता है, बाकी आगे पीछे उसका कोई काम नहीं है। तो इसको हम लेकिन करुणा नियोग का मूल आधार यही है। कल बताया ना, परसों कल बताया था ना कि पूरा करुणानियोग इतना जो अध्यात्म से भी चौगना है, और जिसको सठखंडागम लिखा गया, धवला महा धवला लिखे गए, वो सिर्फ इस असद्भूत व्यवहार नय के भरोसे लिखा, निमित्त निमित्त संबंध के आधार पर। निमित्त नैमित्तिक संबंध को असद्भूत है, जो उपचरित है उसको मान कर सारा प्रथमानियोग लिखा गया है। और सारा प्रथमानियोग भी लिखा, और करुणानियोग प्रथमानियोग जी उसके बेटा और जी उसकी माँ उसके ये बाप उसके ये इस भव में और उस भव में जी मिले, और फिर नौ भव तक लगातार मिलते रहे। अब समय हो गया, लेकिन मैं इतनी बात आपको बता देना चाहता हूँ कि जितनी ये कहानियाँ तुमने पढ़ी हैं कि नौ नौ भव की, कि फिर वहाँ मिल गए, फिर उसने उसे मार दिया, उसने खा लिया, उसे खा लिया, वे सब उतनी ही हैं, और उससे लाख गुणी ऐसी हैं कि कभी कोई को किसी को नहीं मिला। मैं क्या कहना चाहता हूँ कि आप सब लोग इतने लोग यहाँ बैठे ना, तो आप समझोगे जैसे वो कहानियों में मिल जाते हैं ना पुराणों में,
ऐसे हम अगले भव में मिल जाएंगे, फिर अगले भव में मिल जाएंगे, फिर स्वर्ग में मिल जाएंगे, फिर नरक में मिल जाएंगे। इस धोखे में मत रहना, कोई कहीं किसी को मिलने वाला नहीं है। एक करोड़ में भी एक भी कहीं मिल जाए ऐसा संभव नहीं है। तो कहानियां उनकी नहीं लिखी आचार्यों ने, और जिन जो मिले थे उनकी लिखी। क्यों? कि आप कहे किसी तरह का संबंध ये बताना चाहते हैं, तुम किसी के साथ दुर्व्यवहार करोगे वो कल तुम्हारा बाप भी हो सकता है, तुम्हारा बेटा भी हो सकता है। ऐसा तुमको अच्छा व्यवहार सबसे करो तुम, ये इसके लिए उन्होंने भी कहानी छांट छांट के लिखी। झूठी लिख दी बना दी ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसी जो कहानी थी छांट छांट के लिखी। तो आप क्यों बता रहे थे? हमें ऐसा रहने दो ना, हम इसलिए बता रहे कि तुम इस आशा में इतना राग करने लग गए हो कि फिर मिल जाएंगे। तुम्हें बता रहे कि देखो व्यर्थ में लड़ाई मत करो, अभी हो, 5 मिनट को हो, अनंत काल तक नहीं मिलोगे। काय को 5 मिनट के लिए लड़ते हो? नहीं साहब, हम तो 5 साल रहेंगे। अरे 5 साल में तुम अपने कमरे में रहोगे, वो अपने कमरे में रहे, तुम अपनी क्लास में, वो अपनी क्लास में, कहाँ मिलते हैं? हम ये ज्ञान कराना चाहते हैं कि इतना ये हमारा आपका मिलना हो गया तो कहो अनंत काल में हम पहले कभी मिले ही नहीं हो, और इसके बाद भी अनंत काल तक फिर मिले ही नहीं। ऐसा हो सकता है 1% नहीं 99%। क्या समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? इसका भी उद्देश्य है मुझे ये बात बताने, ये भी सत्य है और वे घटनाएं बताई हैं वे भी झूठी हैं, ये नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन वे बहुत कम है। अब वो भाग्य की बात है, पारसनाथ के साथ जुड़ गए, अब उनके 10 भव में मिलते रहे। अब पारसनाथ की कहानी लिखेंगे तो वो 10 भव बताएंगे ही। अब ऐसे जिसकी कि जो मिले ही नहीं अनंत काल तक, उनकी नहीं लिखी, उनने चर्चा नहीं आई। इसलिए इसमें कोई ज्यादा दम नहीं है। अभी अपन आगे कौन सी गाथा चलेगी आगे? 188। हाँ, कल 188 चलेगी। अब देखो 189 की तरफ जा रहे हैं अपन। अभी तो अपन कहाँ पे हैं? देखो मैं बता रहा हूँ, थोड़ा आइडिया पहले तो नहीं बता दिया था मैंने। अभी अपन कहाँ खड़े हैं कि आत्मा रागादी का करता है, ज्ञानी ज्ञान भावों का, अज्ञानी अज्ञान का, ज्ञान आदि के रागादी हैं, वो करता में ऐसे करता है, ये कह रहे हैं। लेकिन फिर अशुद्ध निश्चय नहीं, ये कह रहे हैं। अब जो जा रहे हैं 89 गाथा में, उसने देखा शुद्ध निश्चय में ऐसे करता है राग आदि का, यहाँ इस तरफ जा रहा है। मेरे कहने का हम बढ़ रहे हैं तो हमको उस गहराई से उस बात को समझना चाहिए। थोड़ा पढ़ ले आना, 2-3 गाथाएं पढ़ के आना, तो हमको समझाने में जरा सुविधा रहेगी।